How to mod GTA 5 latest version? Yes guys, GTA 5 के latest version को कैसे आप mod कर सकते हो in easy and simple steps in Hindi. Yes guys, क्योंकि आपने अगर आप मेरे चैनल के ऊपर regular हो, आपने यही सुना होगा mostly कि भाई मैं GTA को डाउनग्रेड करने के लिए बोलता हूँ, डाउनग्रेड करने के लिए बोलता हूँ, बट इस बार गाइज मैं आपको लेटेस्ट वर्जन को कैसे मॉड कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले भाई हम लोग बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट्स के लिए हमको क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमको चाहिए, ओपन आईवी, ठीक है। दूसरी जो कि चीज़ हमको चाहिए जो कि स्क्रिप्ट हुक 5 और कम्युनिटी स्क्रिप्ट हुक 5.net। तीसरी चीज़ हमको चाहिए कोई भी एक ट्रेनर उठा लो, अगर आपको सिंपल नेटिव ट्रेनर उठाना था आप वो उठा लो, अगर आपको मेन्यू ट्रेनर उठाना था आप मेन्यू ट्रेनर उठाओ, ठीक है। तो मैं मेन्यू इंस्टॉल कर रहा हूँ क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वन, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें तो मैं कोई भी एक एड ऑन कार उठा लेता हूँ, तो मेरे यहाँ पे SF90 को मैं इंस्टॉल करूँगा फरारी, उसके साथ उसका इंजन साउंड भी मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ, ठीक है। चौथी चीज़ जो कि आपको चाहिए, मलिबू मेंशन, जो कि एक मैं आपको मेंशन इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ कि अपना मॉड जो है वर्क करने के लिए, ये जो दो मॉड है एड ऑन कार और ये मेंशन है, ये आपका मॉड वर्क कर रहा है ना इसके लिए कर रहा हूँ, और इन दोनों को एक्चुअल में रन करने के लिए हमको मॉड्स फोल्डर चाहिए, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ सभी इस वीडियो के अंदर। जो कि हमको चाहिए गेम को क्रैश होने से बचाने के लिए, पैक फाइल लिमिट एडजस्टर, हीप एडजस्टर और गेम कन्फिग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं डाउनलोडिंग प्रोसेस की तरफ। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे डाउनलोड करेंगे ओपन आईवी को, तो हम लोग यहाँ पे ओपन आईवी की साइट के ऊपर आएंगे, हमको नीचे जाना है और क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करेंगे हमको वापस से एक बार क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करना है, जिससे आपका यहाँ पे सेटअप आ जाएगा, हमको इसको डाउनलोड कर देना है सेटअप को। मैंने ऑलरेडी कर लिया इसलिए मैं नहीं करने वाला। अब बारी है हमारे स्क्रिप्ट हुक की, तो हमें भाई सबसे पहले कम्युनिटी स्क्रिप्ट हुक 5 और दोनों इन दोनों फाइल्स को हमें डाउनलोड करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको ओपन करेंगे और इसको यहाँ पे ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को स्क्रिप्ट हुक 5 को डाउनलोड करना है, हमें सिंपली यहाँ से जो करंट वाला आपको दिख रहा है मिरर वाला, ये देखो यहाँ पे 2845, इसको मैं यहाँ पे डाउनलोड बटन को क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड करें, तो ये भी फाइल आपका हो जाएगा डाउनलोड, ठीक है। फिर कम्युनिटी स्क्रिप्ट हुक 5 की बात करें तो हमें इसका भी गाइज हमको यहाँ पे ग्रीन बटन के ऊपर क्लिक करना है, ये हमको गिटहब पे लेके आ जाएगा। गिटहब पर जैसे लाएगा हमको ये वाला फाइल डाउनलोड करना है, ये देखो आपको ये वाला फाइल दिख रहा है, ये रिलीजेस के नीचे लेटेस्ट वाला, हमें इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन वी नीड टू जस्ट डाउनलोड दी डॉट जिप वाला फाइल। ये देखो 999 KB का है, तो इसको डाउनलोड कर लो और आपका ये भी डाउनलोड हो जाएगा। सेम वे विथ मेन्यू मॉड, हमें भी इसका यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे 1.8.1 का जो आपका लेटेस्ट दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आपको मेन्यू sp.zip का फाइल, ये 5.17 MB का फाइल डाउनलोड कर लेना है एंड दैट्स इट। दूसरी चीज़ हम लोग डाउनलोड करेंगे यहाँ पे फरारी SF90 और उसका इंजन साउंड, कोई भी गाड़ी ले सकते हो मैं इस दोनों के लिए, तो इन दोनों फाइल्स को भी हमें यहाँ पे ओपन करना है और इसका लेटेस्ट वर्जन यहाँ से डाउनलोड करना है। देखो यहाँ पे इसका ओल्ड हैंडलिंग मैं नहीं करने वाला, हैंडलिंग में इसका नहीं करने वाला, बट मैं इसका खाली फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ। इसका मैंने कर लिया और ये इंजन साउंड देखो यहाँ पे OIV इंजन साउंड है, ठीक है, तो उसको भी मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। तो मैंने दोनों फाइल को कर लिया। अभी मलिबू मेंशन की बारी, तो भाई इसका भी हम लोग करंट वर्जन डाउनलोड कर लेंगे, ये मैंने डाउनलोड नहीं किया तो भाई इसको मैं कर लेता हूँ। देखो मैंने बहुत सारी फाइल्स यहाँ पर डाउनलोड करके रखी हुई है, तो मलिबू मेंशन को भी मैंने डाउनलोड कर लिया। अब बारी है पैक फाइल लिमिट एडजस्टर, इसको यहाँ से लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लो, हिप एडजस्टर का भी लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लो और गेम कॉन्फ़िग के अंदर गाइज आपको ये दोनों फाइल डाउनलोड करनी है, ठीक है। ये पैक फाइल हिप या ये भी फाइल आपको डाउनलोड करनी है और वर्जन 30 वाली भी फाइल आपको डाउनलोड करनी है। तो भाई यहाँ पे अपना एक तगड़ा वाला पैकेज तैयार हो गया है, ठीक है, मॉडिंग के लिए। ओके, तो चलो गाइस अभी हम लोग इंस्टॉलेशन प्रोसेस का शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंस्टॉल करेंगे ओपन आईवी को, ठीक है। तो इसका हम लोग सेटअप रन करेंगे, इंग्लिश सिलेक्ट करके हमें इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। ये कई बार आपको शायद से नेटवर्क का इशू देगा, बट हमें इसको इंस्टॉल करके ही रहना है क्योंकि भाई इसके सिवा अपना यहाँ पर इंस्टॉल नहीं होगा सब कुछ काम, ठीक है। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पे आई एक्सेप्ट के ऊपर कंटिन्यू कर लेना है और इसको हमें यहाँ पे क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकॉन कर लेना है क्योंकि भाई कर ही लेना है, ठीक है। इसको हमें कंटिन्यू करना है और ये देख सकते हो यहाँ पे इसका डाउनलोडिंग प्रोसेस शुरू करेगा, ठीक है। इसने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया सर्वर को पकड़ने में, बट इसने यहाँ पे देख सकते हो इंस्टॉलेशन ऑफ ओपन आई वी हैज़ बीन कम्प्लीटेड सक्सेसफुली। तो अपना यहाँ पे ओपन आई वी देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अपना ओपन आई वी हो चुका है इंस्टॉल, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है। अभी हम लोग इंस्टॉल करेंगे स्क्रिप्ट हुक की फाइल्स को और जो स्क्रिप्ट हुक की बेसिक जो सब कुछ फाइल्स होगी वो हम लोग इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ओपन आईवी को ओपन, अब देखो अभी हम लोग ओपन आईवी को ओपन नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस बाजू यहाँ पे अपना मॉड्स का फाइल है सब कुछ, तो इस बाजू अपना GTA 5 का डायरेक्टरी है, ठीक है।
यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे स्क्रिप्ट हुक फाइल, ठीक है। तो स्क्रिप्ट हुक फाइल ये रहा 2845 वाला, इसका फाइल को ओपन करेंगे हम लोग। फिर हमें यहाँ से करना है बिन और डी इनपुट 8 और स्क्रिप्ट हुक वी डॉट डी एल, इन दोनों फाइल को क्लिक एंड ड्रैग करके GTFI की डायरेक्टरी में डाल देना है। फिर हम लोग ओपन करके स्क्रिप्ट हुक वी डॉट नेट का फाइल, सभी फाइल को सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट लाइसेंस एंड रीडमी एंड जस्ट ड्रॉप इट डाउन राइट हियर, ठीक है। तो ये हो गया GTFI की डायरेक्टरी के अंदर। फिर हम लोग को इंस्टॉल करना है मेन्यू ट्रेनर, मेन्यू ट्रेनर के अंदर भाई हमको मेन्यू स्टफ और मेन्यू ASI इन दोनों फाइल्स को क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ पे GTFI की डायरेक्टरी में डाल देना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हमने जो बेसिक जो अपना इंस्टॉलेशन होता है ट्रेनर के साथ ही, वो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब बारी है भाई मॉड्स फोल्डर क्रिएट करने की। मॉड्स फोल्डर क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले चीज़ क्या करनी है, जो कि है अपडेट फोल्डर को ओपन करना है, और ये जो अपडेट वन एंड अपडेट टू RPF है, इन दोनों को हमें पहले कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाएंगे मेन डायरेक्टरी के अंदर, जिसका नाम होगा मॉड्स, ठीक है। मॉड्स फोल्डर के अंदर हम लोग जाएंगे, यहाँ पे हम लोग एक और नया फोल्डर बनाएंगे अपडेट। अपडेट के बाद हम लोग यहाँ पे एक और नया फोल्डर बनाएंगे X64। और जैसे आपने यहाँ पे फोल्डर बना लिया, हमको यहाँ पे इस फोल्डर के बाहर इन सभी फाइल्स को पेस्ट करना है। तो देखो ये दोनों जब तक पेस्ट होती है, तब तक X64 के अंदर हम लोग जाके एक और नया फोल्डर बनाएंगे, जिसका नाम होगा DLCPACKS पैक्स। तो गाइज कॉपी होने के बाद आपका मॉड्स फोल्डर कुछ ऐसा दिखना चाहिए, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, मॉड्स अपडेट X64 अपडेट वन अपडेट टू उसके बाद DLCPACKS। तो गाइज यहाँ पे आपका बन चुका है एक बहुत ही बढ़िया वाला मॉड्स फोल्डर, ठीक है। अब गाइज हम लोग ओपन करेंगे OpenIV, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ से कर लेंगे OpenIV को ओपन। हमें यहाँ पे करना है विंडोज़ को सिलेक्ट GTA 5 के ऊपर, और ये हमसे पूछेगा कि अपनी GTA 5 कहाँ पे इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो ब्राउज करेंगे और अपना एपिक गेम्स के अंदर GTA 5 के फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है। एंड ये देखो इसने अपने आप से वर्जन भी देखो देख लिया 2845, मतलब कि अपना लेटेस्ट वर्जन है, और कंटिन्यू करना है और कंटिन्यू करना है। तो ये अपना यहाँ पे GTA 5 की डायरेक्टरी को ओपन कर लेगा, ठीक है। अभी मैं देख लेता हूँ मैंने यहाँ पे कितनी कितनी फाइल्स को इंस्टॉल, तो OpenIV को इंस्टॉल कर लिया, स्क्रिप्ट हुक ये वगैरह इंस्टॉल कर लिया है, तो इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। तभी मेरी कितनी फाइल इंस्टॉलेशन के लिए बाकी है, ये सभी फाइल इंस्टॉलेशन के लिए बाकी है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले OpenIV को ओपन करेंगे, एडिट मोड को रन करेंगे, एंड देन ASI मैनेजर के ऊपर जाके ये जो दो फाइल्स इंस्टॉल नहीं है इसको हमें कर लेना है इंस्टॉल, ठीक हो। तो ये हो गया अपना फाइल, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, अभी हम लोग इंस्टॉल करेंगे पैक फाइल लिमिट एडजस्टर, हीप लिमिट एडजस्टर, फिर पैक फाइल लिमिट वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पैक फाइल की RAR को ओपन करेंगे। एडिट मोड को मेक श्योर आपको ऑन रखना है, ऑफ मत कर देना, एडिट मोड को ऑन करना है, ठीक है। पैक फाइल ASI INI दोनों फाइल को क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ पे बाहर छोड़ दो, तो ये कॉपी हो जाएगा। हीप एडजस्टर के साथ भी यही सेम चीज़ करनी है, ASI INI दोनों बाहर डाल दो, ये हो गया। फिर हम लोग को पैक फाइल लिमिट एंड हीप एडजस्टर दोनों का करना है, INI INI सिलेक्ट एंड यहाँ पे हो गया कॉपी, ठीक है। ये हो गया, एक बार कर लेते हैं जिससे हमको कंफर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, लेट अस इंस्टॉल द कार, और ये मलिबू मेंशन को हम लोग इंस्टॉल करते हैं, और इसके बाद हम लोग इंस्टॉल करेंगे सबसे आखिर में गेम कॉन्फ़िग को। तो सबसे पहले हम लोग एंजिन साउंड को इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि एंजिन साउंड का जो फाइल है वो OIV फाइल है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, तो हमें इस OIV की डायरेक्टरी को डायरेक्ट क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ पे लाके छोड़ देना है, जिससे यहाँ पे हमका पैकेज इंस्टॉल ओपन हो जाएगा। हमें इसको इंस्टॉल कर देना है इन टू दी मॉड्स फोल्डर, ठीक है। मॉड्स फोल्डर के हमने अंदर इसको इंस्टॉल किया है, उसको हम लोग बैक करके बाहर चले जाएंगे वापस से, जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक। तो यहाँ पर देख सकते हो फरारी का इंजन साउंड यहाँ पे हो चुका है इंस्टॉल। अभी हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग इंस्टॉल करेंगे एक्चुअल एड ऑन व्हीकल, ठीक है। तो मॉड्स के ऊपर जाएंगे, अपडेट X64 DLCPACKS, और DLCPACKS के अंदर फरारी SF90 का जो ये जो फोल्डर है SF90, इसको हम लोग क्लिक एंड ड्रैग करके अंदर लेके आ जाएंगे। फिर हमें इंजन साउंड को इंस्टॉल करने के लिए भाई ये जो फोल्डर है उसके नाम को कॉपी करना है, SF90 को ओपन करके DLCRPF के अंदर डेटा के अंदर जाके भाई व्हीकल्स का जो मेटा दिख रहा है उसके ऊपर एडिट करना है। और यहाँ पे देखो ऑडियो नेम हैश आपको दिख रहा है, यहाँ पे फूरिया दिख रहा है, तो फूरिया को सिलेक्ट करके हमें उसका नाम पेस्ट कर देना है और यहाँ पे इसको सेव कर देना है। और अभी हमें गाइज हमारी एड ऑन जो व्हीकल है उसको रन करना है गेम के अंदर। तो मॉड्स के अंदर जाएंगे, अपडेट अपडेट डॉट RPF कॉमन डेटा, और यहाँ पे DLCLIST.XML आपको दिख रहा है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके एडिट करना है। हमें यहाँ से ये लास्ट वाली लाइन को कॉपी करना है, ठीक है। तो हम इसको कॉपी किया,
यहाँ पे एंटर एंड पेस्ट, और यहाँ पे जो TA488 ये सब कुछ लिखा हुआ है ना उसको निकालना है, और यहाँ पे अपनी गाड़ी का नाम लिख देना है। मेरी गाड़ी का नाम है SF90, तो मैंने यहाँ पे SF90 लिख दिया। अब बारी है गाइज अपने मलिबू मेंशन की और अपनी गेम कॉन्फ़िग की फाइल की। तो सबसे पहले हम लोग मलिबू मेंशन को इंस्टॉल करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो मलिबू मेंशन का यहाँ पे पूरा फोल्डर ही है, तो हमें मॉड्स अपडेट X64 DLC पैक्स के अंदर जाकर ये मलिबू फोल्डर को डाल देना है। तो ये मलिबू मेंशन आ गया अंदर, और हमें अपडेट RPF के अंदर जाके ये वो वाली लाइन को हमको वापस से ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एडिट करेंगे और हमें यहाँ पे ये वाली लाइन को कॉपी करेंगे, एक और लाइन यहाँ पे ऐड करेंगे, और यहाँ पे हम लोग नाम लिख देंगे Malibu_mention। ठीक है, देख लेंगे MALIBU mention। ओके, अभी हमको यहाँ से बाहर नहीं जाना। ये देखो यहाँ पे आपको नीचे गेम कॉन्फ़िग दिख रहा है, और ये कंप्रेस्ड एंड एनक्रिप्टेड है क्योंकि हमने अभी तक गेम कॉन्फ़िग को चेंज नहीं किया है। अब हम लोग गेम कॉन्फ़िग को चेंज करेंगे, और भाई एक ताज्जुब की बात मैं कहूँगा जो कि मैंने आज सुबह डिस्कवर की, कि भाई 2802 का जो गेम कॉन्फ़िग है ना वो परफेक्टली वर्क करता है विथ 2845। आप विश्वास नहीं करोगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये 2802 का फोल्डर मैंने उठाया, इसके अंदर से फॉर मोर मॉड और कोई भी मैं उठा लेता हूँ। मैं यहाँ पे 0.5x का उठाता हूँ और गेम कॉन्फ़िग को सीधा यहाँ पे आके छोड़ देता हूँ। ये देखो एनक्रिप्टेड निकल गया, मतलब हमारा फाइल सक्सेसफुली कॉपी हो गया। तो भाई यहाँ पे हमने अपने जितने भी मॉड्स थे वो सभी एकदम परफेक्टली इंस्टॉल कर दिए है। अभी हम लोग जाएंगे सीधा गेम के अंदर, एंड वी आर गोइंग टू सी दैट दी मॉड्स आर रनिंग और नॉट। एक्चुअली में ये वीडियो एक्चुअल में दूसरा आने वाला था, रीमेक GTA 5 रीमेक का वीडियो आने वाला था, बट काफ़ी टाइम से लोग बोल रहे थे कि भाई GTA 5 मॉड का वीडियो लाओ, GTA 5 मॉड का वीडियो लाओ, अच्छा एक ट्यूटोरियल लाओ। तो भाई इसीलिए मैं यहाँ पे ये वीडियो बना रहा हूँ, बट डोंट वरी, GTA 5 रीमेक प्लस रिचर्ड का भी वीडियो आने वाला है। ओके, तो गाइज जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैं आ चुका हूँ GTA 5 के अंदर। गाइज आप विश्वास नहीं करोगे मैं अभी हूँ GTA 5 के लेटेस्ट वर्जन के अंदर। चलो भाई सबसे पहले अपनी गाड़ी को स्पॉन करते हैं, और उसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ मेन्यू मोड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे F8 की को प्रेस करूँगा, और यहाँ पे वापस से मैं F8 को प्रेस करके व्हीकल को स्पॉन करूँगा, जिसका स्पॉन कोड है SF90। तो भाई देख सकते हो यहाँ पे ओ भाई साहब, गाड़ी एक नंबर है यार। रुको, अपना तो मलिबू मेंशन की तरफ चलते, तो मलिबू मेंशन हमको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ कहीं पे हमको मलिबू मेंशन मिलेगा, तो टेलीपोर्ट हो जाते हैं फटाफट से। लेट अस सी के मलिबू मेंशन अपना कहाँ पे, ओ भाई सामने ही आ गए, वाह भाई साहब। तो ये आप गाइस अपना मलिबू मेंशन देखते ही चल रहा है या नहीं, एंड एज यू कैन सी भाई मेरे को मैप बिल्डर भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ा, और अपना मलिबू मेंशन इज सक्सेसफुली वर्किंग। तो जैसे कि आप देख सकते हो भाई मैंने अपने GTA 5 के लेटेस्ट वर्जन के अंदर अपना गेम मॉड किया, और यहाँ पे आप देख सकते हो मलिबू मेंशन भी वर्क कर रहा है, और मेरी फरारी SF90 भी वर्क कर रही है। और देख सकते हो भाई मैं घर के अंदर भी आ चुका हूँ मलिबू मेंशन के, और मैं घूम भी रहा हूँ घर के अंदर। ठीक है, तो ये वो वाला सीन नहीं है कि आपका यहाँ प्लेयर यू नो आर पार होके नीचे गिर जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो यहाँ पे भाई एकदम परफेक्ट तरीके से मैंने आपको समझा दिया जो स्टेप्स मैं खुद करता हूँ, जिससे आपने देख लिया कि भाई कितनी फास्ट फास्ट आपका गेम मॉड हो जाता है। ठीक है, यही स्टेप्स अगर आप रिपीट करोगे तो आपका गेम 5 मिनट के अंदर एकदम इजीली मॉड हो जाएगा। ठीक है, बिना किसी दिक्कत के भाई सेम स्टेप्स रिपीट करो, आराम से मॉड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ गाइज हम लोग मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक स्टे सेफ, कीप गेमिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, एंड मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है।